मांगे हुए कपड़े हम दोनों पे बहुत ज्यादा शूट करते हैं वैसे। A for apple, B for ball। हेलो जी, जयराम जी की, कैसे हैं आप सब? और वेलकम है आपका आपके अपने चैनल में। यहाँ पर ये वाला व्लॉग जो है ये है 27 नवंबर का, और काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट तो दे दूँ। वो क्या है ना, बहुत दिन से बिजी चल रहे थे। एक तो काम ऐसा है, टिफ़िन सेंटर का काम है, तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तीनों जो मील होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों तैयार होते हैं, तो तीनों में पूरा दिन चला जाता है। दिन भी छोटे छोटे हो रहे हैं ना। और यहाँ पर शादी है हमारे घर में दो, जिसके कारण से उनकी जो छोटी मोटी तैयारी है उसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा है, तो व्लॉग जो है वो नहीं बन पाए थे। लेकिन मैंने सोचा कि अब तो मुझे शादी में जाना है, तो मुझे आप लोगों के साथ में अपडेट रहना चाहिए। मैं आप लोगों को सारी वहाँ की जितनी भी जो भी तैयारियाँ होंगी वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। शादी में जो जो रस्में होती हैं सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला व्लॉग जो है आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि शादी है, और अभी अगले जो व्लॉग आएंगे वो सारे शादी के ही आएंगे। हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली, हम यहाँ से अभी जाने वाले हैं शादी के लिए। राजस्थान, हरियाणा में दोनों जगह हैं हम लोगों के यहाँ पे मैरिज। एक मेरे सगे भाई की है और दो मेरी भतीजियों की है। बड़े भैया जो हैं मेरे हस्बैंड के, उनकी बेटियों की शादी है, तो उन्हीं सब तैयारियों में बिजी थी अब तक मैं। और ये वाला व्लॉग जो है ये आप लोग एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और आगे जो भी व्लॉग आएंगे उनसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ पर जो है वो हो रही है डिनर की तैयारी। डिनर में सब्जी जो है वो मैंने बना दी है, और दाल में तड़का भी लगाया है और आटा भी लगा लिया है। और शर्ट मेरा डेली का यही जो है पहनावा हो गया आजकल, क्योंकि एक तो इसमें जैसे सूट वगैरह होते हैं उनमें दाग लग जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, और शर्ट में दो शर्ट मैंने बना रखी हैं डेली काम करने के लिए। वो दोनों शर्ट है जैसे एप्रिन के जैसे मैं पहन लेती हूँ, तो उनमें दाग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो जी, जयराम जी की, कैसे हैं आप सब? और मैं रीनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और बहुत दिनों के बाद में मिल रहे हैं हम सब। एक अलग सी रूटीन हो गई है, जैसे विंटर शुरू हुई है ना, तो थोड़ा सा सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पा रही। और सोच रही हूँ मैं अब कंटिन्यू करूँ, क्योंकि शादी में जाना है, घर जाना है, तो आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करना है। बहुत दिन हो गए ये सोचते हुए कि मैं आप लोगों के साथ में, शिवान शोर मत कर, बहुत दिन हो गए मैं आप लोगों के साथ में ये सोचते हुए कि सब जो अभी रूटीन चल रही है वो शेयर करूँ, लेकिन बस यही है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाला और कैप्चर किया। तो सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। वैसे शुरू हो चुका, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों का वेलकम करने के लिए अभी आई हूँ, और अभी मैंने आप लोगों के साथ में ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी बनानी है मुझे रोटियाँ। आटा लग चुका, जैसे कि आपने अभी देखा दाल बन चुकी है। सब्जी मैं उधर दूसरे चूल्हे पर रख के आई थी, वो बनने लग रही है। चावल भी वही है। भाभी जो है वो सलाद कट कर रही है। अब फटाफट से रोटियां मैं बनाऊंगी। साइड में थोड़ी बहुत भाभी भी बनाएगी, और फिर साथ साथ टिफिन पैक हो जाएंगे। और इस तरीके से कम समझ लीजिए 8:30 तो बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं कभी कभी लेट ऑर्डर आते हैं। तो ये ही है आजकल शेड्यूल। और शादी आ रही है घर में, दो शादियाँ हैं, एक मायके में एक ससुराल में। तो शॉपिंग भी नहीं कर पाए इतने दिन हो गए, सोचते हुए कि अब करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। दिवाली पे हालांकि छुट्टी रखी थी हमने 2-3 दिन की, लेकिन दिवाली पे भीड़ एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, तो जाने का मन नहीं था। ऊपर से कोरोना का डर लगता है ना भीड़ से, इसलिए नहीं गए बिल्कुल भी। मैंने कहा फालतू में चेन बनने का हिस्सा हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, टिफिन सर्विस का काम है। अगर हम लोग इससे इफेक्टेड हो जाते हैं तो हमसे एक चैन बन जाएगी, हम लोगों से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो सकते हैं। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है इस टाइम पे, वही सब चीज़ों के कारण ना शेड्यूल नहीं बन पा रहा, कि सब कुछ एक अरेंजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा चाहिए इस काम को करने के लिए इस कोरोना पीरियड में, तो शेड्यूल नहीं बन पा रहा। तो चलिए फिर जैसा भी शेड्यूल है, आज मैंने इसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया, तो लाइक तो बनता है। और रोटियां सेक लेती हूँ फटाफट से, और शादी की डिस्कस मैं आप लोगों से बाद में करती हूँ। शादी की क्या तैयारी कर ली है, क्या नहीं की है, क्या बच गई है, किसकी शादी है, दो शादियाँ जो है वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ दाल जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो
इसका मैंने दम घोट दिया है ढंग से, इसको कई देर हो गई उबलते हुए। अब मैं इसको हटा के रोटियां सेक लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। भाभी सब्जी बन गई होगी, सब्जी लेके आ जाओ। लो जी, हम मिल रहे हैं दोबारा से 7:30 पे, और शर्मा जी जो है वो कुछ टिफिन जो थे उनको देख करके आ गए, मतलब कस्टमर्स के पास पहुंचा करके आ गए हैं। और यहाँ पर मैं अभी भी रोटियां सेक रही हूँ। भाभी जो है वो जा चुकी हैं, उन्होंने मतलब टिफिन जो भी थे वो पैक करने के वो पैक कर दिए थे और वो निकल गई थी 7 बजे। और इस टिफिन जो ये नीचे टिफिन रखे हैं इनमें जो पैकिंग में खाना जाएगा उनकी रोटियाँ पैक करके मतलब फॉयल रैप कर दिया उनको, और फॉल रैप करके राउंड जो पैकिंग होती है वो करके और फिर मैंने उसको इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि ये लोग जो है ये कम से कम आधा घंटा लगेगा इनको पहुंचने में ऑफिस से वापस घर पे। फिर ये फटाफट से सब्जी और दाल में गरम करके फॉल जो रैपिंग आती है थैलियाँ उसी में पैक करके मैं इनको पैक कर दूंगी और फिर ये गर्म पहुँच जाएंगे इनके पास में, और मेरा काम भी बीच में नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर शर्मा जी ढूंढ रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या हो गया इनका। और इन्होंने देखो हनु मास्क लगा रखा है, हनु मास्क, ठीक है। ये जो स्टाइल होती है हनु मास्क की होती है, मास्क यहाँ लगता है, इन्होंने थोड़ी पे लगा रखा है, तो ये हनु मास्क बने हुए हैं यहाँ पे फिलहाल। और अभी जाएंगे जब इन्होंने मास्क लगा लेना है। और मांगे हुए कपड़े कैसे लग रहे हैं बताना। ये जैकेट इन्होंने अपने दोस्त से लेकर के पहनी है, कैसी लगी है मांगी हुई जैकेट। मांगे हुए कपड़े हम दोनों पे बहुत ज़्यादा शूट करते हैं वैसे। तो यहाँ पर शर्मा जी अब जो ये टिफिन बच गए यहाँ पैक हुए 4, इनको देख करके आएंगे, और मैं रोटियाँ और पैक होनी है तो वो रोटियाँ मैं बना रही हूँ और साथ साथ इनको पैक करूँगी अब। तो ऐसी चल रही है लाइफ आजकल, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ये रोटी मेरे देखो जल जाएगी, बात के चक्कर में ना रोटी कोई जलाने वाली। तो बस यही कारण था, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं थी मैं, कोरोना नहीं हुआ था, इसी कारण से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। पूरी सेफ्टी रखते हैं, कोरोना फिर भी आएगा तो भगवान ऊपर वाले की मर्जी, नहीं तो ध्यान तो पूरा रख रहे हैं और ऊपर वाले की मर्जी भगवान, बस जल्दी से इस कोरोना को आफत को ख़त्म करे। बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, रोज़ पूछते हैं मम्मी कोरोना कब जाएगा, क्या जवाब दूँ मैं इनको, कुछ समझ में नहीं आता, क्या पता कब जाएगा। दुआ करो जल्दी से चला जाए, सब लोग मिलकर दुआ करो, हवन करो, कुछ भी करो, लेकिन भेज दो इसको। और सबसे बड़ी बात यह है घर में दो दो शादियां हैं, एक तो इनके बड़े भैया की लड़कियां हैं दो, उन दोनों की है, मतलब रियल जो ब्रदर है ना उनकी लड़कियां हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, लास्ट ईयर मैंने मतलब जनवरी में वीडियो डाला था, शिवान शोर मत कर थोड़ी देर, उसमें मैंने बताया भी था उन बच्चों की शादी थी मई में, फिर मई में लॉकडाउन के कारण वो हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी, वो अब दिसंबर में है। और कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि उनकी शादी जो पोस्टपोन की थी वो 9 दिसंबर की और मेरे भाई की 10 दिसंबर की। ये जो दो जो सावे हैं ना ये ऐसे हैं, इस पर मेरी रिलेशन है ना उसमें कम से कम 6-7 शादियाँ हैं, तो परेशान हो रखे हैं। बस दो ये शादियाँ हमारी कंपलसरी हैं, इनको अटेंड करना ज़रूरी है, इन दोनों में जाने में एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। एक 9 को है, एक 10 को है, फिर 7 हम लोगों में एक वो होती है ना टीका होता है लगन, तो एक लड़कियों का टीका 7 को है जो भतीजी है उनका, मेरे भाई का टीका 8 को है, 7 को भतीजियों का टीका, 8 को भाई का टीका, फिर 9 को भतीजियों की शादी, फिर 10 को भाई की शादी। और दोनों जगह में डिफरेंस क्या बताऊँ आपको, ट्रैवल करना पड़ेगा हमें रोज 2.5 से 3 घंटे 7 तारीख से लेकर के और 10 तारीख मतलब समझ लीजिए 11 तारीख तक डेली ट्रैवल करना पड़ेगा 2-2.5 घंटे, हालत हो जाएगी एकदम ख़राब दोनों तरीके से, पैसे के तरीके से भी और शारीरिक तो होनी है,
नींद वगैरह छोड़ो, मैं सोच रही थी 10 दिन शादी के टाइम पे जब टिफिन की छुट्टी होगी तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लेकिन रेस्ट की तो भूल जाओ, बस अब कुछ नहीं मिलने वाला। और शॉपिंग भी एक्स्ट्रा ही करनी पड़ेगी, जब साथ में दो शादियां हों तो, और इतनी पास पास हों तो कपड़े भी कैसे अरेंज होंगे, हर चीज मतलब एक टाइप से बर्डन दे रही है, सिर दर्द ही दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। और आप लोग जुड़े रहना साथ में, आप लोगों से मतलब आप लोगों को मैं मेरे जो शादी के ब्लॉग्स होंगे ना उधर जाएंगे जब, वो सब दिखाऊंगी, राजस्थान की शादी कैसे होती है, मेरे मायके हरियाणा में, हरियाणा में कैसे होते हैं, सारी जो भी ये होते हैं ना क्या बोलते हैं इसको, रस्में होती हैं वो सारी कैसे होती हैं, और मेरी फैमिली जो है सबसे मिलाऊंगी मैं। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अब पहली बार मेरे ब्लॉग में, पहले गई हूँ हालांकि मैं, लेकिन मैंने कभी ब्लॉग्स में इंक्लूड नहीं किया कुछ भी, वहाँ पे बस एंजॉय किया, उनके साथ मिले बैठे बात किए, ब्लॉग बनाए ही नहीं उतने। अब बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ में, सबको मिलवाऊंगी, ठीक है। तो ये ब्लॉग जैसा भी था ऐसे वैसे करके मैंने इसको आज बनाया और ख़त्म किया, अभी यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं और मैं ये काम कर लेती हूँ। तवा खाली रखा है देखो, रोटियाँ सेकनी है, ये भी ठंडी हो जाए हो रही है, घी लगाना है इनको। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपकी रेनू को अगर आप कोई राय देना चाहते हो तो जरूर देना कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों के घर में अगर शादी है तो वो भी जरूर दिखाना, मतलब डेट बताना मेरे को कब है और कहाँ पर है, मतलब एक होता है ना आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे जानने का मन होता है कि इसके यहाँ पर क्या है, तो आप लोग बताना, ठीक है। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।